हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। देखिए, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो इसको कामना या फिर विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं। कामना या प्रार्थना किया जाए, जैसे ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो, तो इसको क्या कहते हैं, कामना। कामना या फिर विस्मय सूचक वाक्य इसमें आते हैं, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो देखिए, जैसे सेंटेंस दिया है, ईश्वर करे आपकी यात्रा सुखद हो, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो मे यू हैव ये कामना है, ये कामना कर रहा है, कामना वाला सेंटेंस है। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, ए हैप्पी जर्नी जर्नी। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। सेकेंड सेंटेंस है, देखिए, ईश्वर आपके पुत्र को दीर्घायु करे, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो मे योर सन लिव लॉन्ग। ईश्वर आपके पुत्र को दीर्घायु करे, मे योर सन लिव लॉन्ग। थर्ड देखे, अफसोस, मैं बर्बाद हो गया, तो एलास मीन्स अफसोस, मतलब दुख के साथ कह रहा है, एलास। उसके बाद मैं बर्बाद हो गया, आई एम रियूंड, मैं नष्ट हो गया या फिर बर्बाद हो। रियूंड मिस होता है नष्ट होना या फिर बर्बाद होना, ठीक। तो अफसोस, मैं बर्बाद हो गया, एलास आई एम रियूंड, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, वह कितना सुस्त है, सुस्त या फिर आलसी, तो वह कितना सुस्त है या फिर आलसी है, तो हाउ लेजी ही इज, वह कितना सुस्त है, हाउ लेजी ही इज, ठीक। उसके बाद तो देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, काश मेरे पास भी पक्षी जैसे पंख होते हैं। जैसे वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, वह डिजायर कर रहा है, सोच रहा है कि काश मेरे पास भी पक्षी जैसे पंख होते हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, उड दैट, ठीक। आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड। काश मेरे पास पक्षी जैसे पंख होते, उड दैट आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड।